पचास सौ कमाएंगे तो सौ पी जाएंगे तो बाप माता जी को क्या देंगे, तो आके गाली देंगे बाप माता जी। मानने दौड़ते हैं। कभी हम लोग आए आंटी जी के पास, आंटी जी आप लोग यहीं पे रहते हैं क्या? हम जी यहीं रहते हैं। तो आंटी जी आप लोग मतलब कैसे, मतलब आपका कोई घर नहीं है क्या? नहीं साहब घर नहीं। तो आप लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे? आप यही प्लाट में चौका बर्तन करते हैं साहब, यही मसाला बेचते हैं, बिस्कुट है, दाल मोट है, मसाला है, सिगरेट है। तो आंटी जी काम कब से करनी है आप? काम हमको काफी दिन हो गया साहब। काफी टाइम हो गया। तो आंटी जी यहाँ पे मच्छर वगैरह नहीं लगते आप लोगों को? अब क्या करें साहब, मच्छर नोचो रात भर, कहाँ जाए, किसके घर द्वार नहीं है। कैसे गुजारा हो रहा, मतलब आप लोगों के बच्चे परिवार? कोई नहीं है, दो बच्चे हैं, बच्चे भी हर नैलाक हैं, बच्चे बड़े निकम्मा हैं। बच्चे ने क्या करा? सहारा नहीं है। अरे आंटी रो क्यों नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो हैं। क्या हो गया बच्चे का, थोड़ा बताइए क्या हो गया बच्चे? बच्चे नहीं देते हम लोग को रोटी, रोटी नहीं देते। कितने बच्चे आपके? दो लड़के हैं। दो लड़के हैं, क्या कर रहे हैं अभी? काम धंधा करते हैं, अपन पेट पालते हैं। हमको आंटी रो क्यों नहीं है? रो नहीं रहे बेटा, क्या करें, आंसू आ ही जा रहा। हमको इन्हीं लोग के घर से सहारा है, इन्हीं घर में काम करते हैं। तो आपको क्या मिलता है वैसे काम करने में महीने का? 1500-2000। 2000 में पूरा गुजारा? क्या है गुजारा, नहीं तो गुजारा करना ही पड़ता है, करना पड़ता है। तो लड़के भी अच्छे खासे हैं, हम लोग कमा रहे हैं तो कुछ तो कुछ तो देना चाहिए आंटी। मम्मी अभी खत्म हो गई, पापा भी खत्म हो गए, भाई भौजाई किसके होते हैं? कोई किसी का नहीं है बेटा। तो आंटी वैसे आप लोग मसाला बेच रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं? हाँ आते हैं। आते हैं तो मतलब ठीक ठाक चल रहा है कि मतलब अभी भी है? नहीं है, ठीक है, सामान रहेगा बेटा, दुकानदारी हो कभी नहीं चलता है, सामान के ऊपर है, पैसे के ऊपर। सामान रहता है तो दुकानदारी होती है, सामान नहीं रहेगा तो बेटा कहाँ से बेचेंगे? सही बात है आंटी। देखिए आंटी हम भी अभी छोटे हैं और हमारे पास भी इतनी इनकम नहीं है, मगर हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं। तो अंकल जी की तबीयत खराब है क्या आंटी? हाँ बेटा तबीयत खराब है कई दिन से। क्या हो गया अंकल जी को? बुखार आ रहा है। बुखार? हाँ बुखार में क्या डॉक्टर ने, डॉक्टर दिखाया आपने? नहीं इसे दवाई ले आए, उसे पैसा होना चाहिए। हाँ आप कहिए तो हम दिखा लें। दिखा दीजिए। कहाँ पे डॉक्टर बताइए? डॉक्टर इधर ही होंगे। अच्छा कोई अपने जानने वाले हैं क्या? नहीं। अरे ऐसे नॉर्मल डॉक्टर हैं? चलिए फिर कब दिखाना है, हम आपके आपके पास आ जाएंगे, आप चलिए अभी निकल। कब दिखाना बताइए, कब अपॉइंटमेंट? पैसा होगा तभी दिखाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार हम दिखाएंगे आपसे, ठीक है? आंटी जी बताइए आपके लड़के की शादी होगी? लड़कों की? हाँ। तो शादी आप लोगों ने करी थी? हाँ। आंटी पैसा लगाओगे बहुत? का है कर्जा, अभी कर्जा नहीं भर पा रहे हैं। कितना कर्जा है? अभी कम से कम 35,000 एक आदमी के, और 6,000 इनका है, लड़के नहीं देते। अगर आप लोग चाहो तो आंटी और अंकल की मदद कर सकते हो। आंटी अंकल पन की ब्लॉक के पास रहते हैं, आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ के लोकेशन हम डाल देंगे। अगर अंकल जी और आंटी जी की आपको मदद करनी है तो आप लोग आ सकते हैं, मगर हम लोग भी थोड़ी सी मदद करेंगे। आंटी जी आपके लिए है और ये मेरी तरफ से है। इनफैक्ट ये अभी बहुत नहीं है, जितना हम जो पा रहा हमने करा आपके लिए। लड़के क्या है साहब, अपन ने पेट पाल ले तो बाप माता जी को क्या कर देंगे, 50-100 कमाएंगे तो 100 पी जाएंगे तो बाप माता जी को क्या देंगे? सही बात है। तो आंटी उनके काम लगा कि नहीं लगा, अपने नहीं पेट पाल पा रहे, अब आके गाली दे दे बाप माता जी। बाप रे बाप, मानने दौड़ते हैं, गाली देते हैं, मारते तोड़ते हैं, कहाँ काम करो तो वो गाली देते हैं। आंटी परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं, हम लोग हैं आपके लड़के। हाँ हम लोग हैं, आप टेंशन ना लो, हम लोग आएंगे आपके पास। अब हम लोग मसाला तो नहीं खाते घर, मगर आप जो खिलाएंगे हम लोग खा लेंगे आराम से। खुश रहो बेटा। जी जी आंटी।